पूरे यूपी में एक तरफ शासन और प्रशासन, भू माफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छिड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ उन्नाव में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के इस अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, दरअसल भाजपा विधायक अनिल सिंह ने एक जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को रुकवा दिया। आपको बता दें कि उन्नाव के मोरावा कस्बे में भगवती प्रसाद गुप्ता नाम के एक शख्स को पीडब्ल्यूडी ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया था। बिल्कुल, इसके बावजूद भी भगवती प्रसाद गुप्ता सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवाते रहे, लेकिन जब प्रशासन की टीम अवैध निर्माण के को ढहाने के लिए मौके पर पहुंची, तो भाजपा विधायक अनिल सिंह ही अपनी सरकार के इस अभियान के खिलाफ हो गए, भू माफिया को बचाने के लिए ढाल बनकर के खड़े हो गए। तो देखिए, उन्नाव से ये अलग ही तस्वीर सामने आई है। अवैध निर्माण के खिलाफ जहाँ सरकार का ये मिशन बुलडोजर चल रहा है, उसके सामने खुद अपने विधायक आ गए। सभी लोग यहाँ के जितने भी सरकार की मंशा के खिलाफ काम करने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सब मिली भगत करके जिससे रुपया मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जिसको रुपया नहीं देता है उसका गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, ऐसा इनका पूरा वो है। जबकि सरकार का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों की सरकार है और आदेश है कि गरीब कमजोर को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसका गलत फायदा उठाकर सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से गरीब लोगों को नुकसान कर रहे हैं, इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। वही मऊ में प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अली ने यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा है कि हमने आपसी सामंजस्य से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाकर एक नजीर पेश की है। आगे बढ़कर उन्होंने सरकार की इस गाइडलाइन का पालन किया, जहां जहां मानक के अनुसार लाउडस्पीकर के हमने वॉल्यूम कम कर दिए, और पूरे देश में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की चर्चा है आज, कि उत्तर प्रदेश आज वो प्रदेश बन गया है जो विकास की बात करता है, जो तरक्की की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है। तो मेरे उत्तर प्रदेश के वासियों, मेरे बजरंग के वासियों, दोनों हाथ उठा के आप पूरे देश और दुनिया को बताइए कि हम जिस प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से रहें। अब खबर फतेहपुर से है, जहां बिंदकी से अपना दल विधायक और पूर्व कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बिल्कुल, और बताया ये जा रहा है कि शादी समारोह से पत्नी के साथ लौटते वक्त पूर्व मंत्री की गाड़ी से टक्कर मार दी गई। कार सवार चार युवकों पर दो बार जोरदार टक्कर मारने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना 4 मई की रात तेंदुली गाँव के बाईताजा का बताया जा रहा है, ये पूरा मामला, जहां पर पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमले की बात सामने आ रही है। वो शादी समारोह से लौट रहे थे और उसके बाद उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई।